हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम एक्सरसाइज 13A को बनाना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक्सरसाइज 10, 11, 12 का जितना फॉर्मूला है आप उन सारे फॉर्मूलों को किसी एक जगह लिखें और उन सारा फॉर्मूला को आप याद कर लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज ओनली फॉर्मूला बेसिस पर ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे रह गया। एक फॉर्मूला और होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 बाई कॉसेक थीटा, यहां पे पुट कर दिए 1 बाई कॉसेक थीटा। स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर डाल दिए, यहां पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, कट के कितना बचा 1 1 1, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को प्रूफ करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिख रहा होगा। अब इसको बनाने से पहले हम एक फॉर्मूला और देख लेते हैं क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर कर दें तो ये माइनस है, इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अब हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही ऐसे लिखाएगा। और कॉसेक थीटा का अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे ना, होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये और ये कैंसिल, कट के बचा 1 1 1, प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, तो 1 को अब हम इधर करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1, और इक्वल टू का उधर जा रहा है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहां पे हमको अब दिख गया, यानी इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, टेन का होता है ना 1 बाई कॉट, स्क्वायर है स्क्वायर डाल दिए, और यहां तो पहले से कॉट स्क्वायर थीटा है, रहने दिए, यही है कैंसिल, कट के बचा 1, 1 लाना था प्रूफ करना था 1 प्रूफ हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। हमने अभी अभी कुछ देर पहले सीखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे आएगा। एक फॉर्मूला और होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा को अब हम उधर करेंगे और 1 को इधर करेंगे, तो ये बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, हम इसके जगह पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब टेन का कॉट होगा 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, कट के बचा 1, प्रूफ हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 का 3, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था
साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर भी 1 बाई कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, यही प्रूफ करना था, टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही लिखेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सीखा कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, यानी कि 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और सबसे पहला ही क्वेश्चन में हम लोग जब बना रहे थे तो एक फॉर्मूला देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये प्रूफ हो गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 2 दिख रहा होगा, अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई सेक थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा, तो स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक बराबर कितना होता है, साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, प्रूफ हो गया। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 दिख रहा होगा, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा कोई फॉर्मूला होता है नहीं, और ना ही 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसके जगह पे हम कितना लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 प्लस क्वार्टर स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे रह गया, ये ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाले, कैंसिल 1, ये भी प्रूफ हो गया। चलिए हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 आ गया, इसमें हम इधर वाला टर्म जो है इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इधर कुछ नहीं करते हैं, ये यहां तक हम जैसे का वैसे उतारे, यहां से हम चेंजिंग करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस बाई साइन, ये लिख दिए, इधर तो कुछ करना है नहीं, तो इधर फिर से वैसे उतारे, 1 प्लस कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम लिए, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया, और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा लिखा गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किए ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का निकाले थे, तो हुआ था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन थीटा, ये तो कॉस थीटा जो है इसको हम ऐसे रहने देते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा है इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ये स्क्वायर साइन कैंसिल, और कॉसेक का कितना होता है, 1 बाई साइन, और ऊपर में एक साइन बच गया, ये कैंसिल बच गया 1,
तो इस वीडियो में हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन करेंगे किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट 5 से